डॉक्टर मुबस्सा क्या लेकर आई हैं आज हमारे लिए? बहुत ही इंटरेस्टिंग वेट लॉस का. अक्सर हमें इश्यूज होते हैं इंटायर बॉडी का, बट मेन प्रॉब्लम जो होता है वो डबल चिन का होता है. हाँ, हाँ. कि डबल चिन किस तरीके से आराम से कम हो जाए. हाँ. तो मेरे पास यहाँ पे मास्क है, हम थर्मल मास्क कहते हैं. पर्टिकुलरली मास्क में ये इश्यूज होते हैं कि पानी किस तरीके से हम डाइल्यूशन हो और किस तरीके से उसको फेंकना हो, किस टाइप का पानी हो. हाँ. अगर हम ठंडा पानी मिक्स करते हैं तो वो फेस पे वर्क करता है. अच्छा, अगर एक मिनट हम जरा शुरू करते हैं. बिल्कुल. हम डबल चिन को कम करने का कर रहे हैं. बिल्कुल. हम कौन सी दाल ले रहे हैं? हमने चारों दालों को मिक्स करके ओवरनाइट सोक कर लिया. हाँ. उसका पानी जो चारों दालों यानी कि माश, पीली दाल, ऑरेंज दाल और चौथी चने की दाल, इन चारों को हमने मिक्स किया. हम वजन लिया. बिल्कुल, हम वजन लिया. फिर हमने क्या किया? ओवरनाइट मतलब सोकअप कर लिया. सोक कर दिया. सुबह आपने उसका पानी लिया. ठीक है. पानी लेके ये थर्मल मास्क में हमने इसको डाइल्यूट करके फेंकना है. थर्मल मास्क आपके पास से मिलेगा? हमारे पास से मिलेगा. होगा? बिल्कुल. और इसमें मेन इशू यही मैं बताना चाह रही हूँ कि अगर आप ठंडा पानी जैसे रेफ्रिजरेटर का है या रूम टेम्परेचर का पानी मिक्स करते हैं तो इसमें डिफरेंट टाइप के मास्क बन जाते हैं. कि अगर आपको फेस फॉर इंस्टेंस फेस को अगर आपको अनइवन स्किन है उसको टोन अप करना है तो रूम टेम्परेचर का पानी आपने इसमें मिक्स करना है. अगर आपने सिर्फ पर्टिकुलर चिन को कम करना है तो चारों दालों का पानी आपने इसमें इस्तेमाल करना है. यानी हमने इसको स्टार्ची टाइप का बनाना है. तो अब मैं अगर आप इजाजत दें तो मैं डेमो करूं. जी जी. ये डबल चिन हमने डबल चिन का मास्क बनाना है. इसमें ओवरनाइट सोक की ये, दाल ये, का पानी. ये जो पाउडर है ये आपके पास है? बिल्कुल. ये आप कहीं से लेकर आती हैं या खुद बनाती हैं? बिल्कुल बिल्कुल. थर्मल? अच्छा. ये हीट अप हो जाता है स्पेसिफिकली दालों के पानी से और इसमें हमने तकरीबन 3 से 4 टीस्पून लिया. यानी इस रेमेडी के लिए आपको इनके पास ही जाना पड़ेगा. वो पानी भी इनके पास ही मिल जाएगा. तो पानी घर में हम नहीं कर सकते. पाउडर पाउडर आपको मिल जाएगा. घर में कर ले. पाउडर मुझसे खरीद ले. और ये चने की दाल का ये चारों दालों को मिक्स करके इसका आप पेस्ट बना के आराम से घर में खुद कर सकते. ठीक है. और अभी हमने ये अप्लाई करना होगा. इसके अप्लाई डबल चिन किसकी है यहाँ पे? हाँ, मैंने तो बड़ी डाइटिंग कर करके खत्म कर ली भाई. आ जाओ मेरी जगह बैठो आके जरा. हाय हाय हाय, कमर में दर्द हो गया, चलना मुश्किल हो गया. घर के सारे काम कर लेती हो? क्या बात है, आ जाओ यहाँ बैठ जाओ. होस्ट आज आप होस्ट है हमारी. क्यों नहीं ले सकते भाई, ऐसी क्या बात है? माइक नहीं लगा हुआ आपको? आप मेरी तारीफें बगैर माइक के करी है तो ज्यादती है. खुला तो गाल है. चुटिया अगर ब्रांड में चुटिया बांध देते हैं ना हम. ठीक है, ये अच्छे से लगाना है. अभी घर में ले आए आप और ये तकरीबन आपने 4 times यूज करेंगी. तो 4 times 4 times यानी हर वीक आपने एक दफा या 2 दफा आप अप्लाई कर सकती हैं. अपने तो आप अगर इसको नीचे की तरफ हाथ लगा के देखिए पूरा गर्म हुआ हुआ है. ये गर्म इसकी वजह से हुआ है? जी. आपने जो दालों का पानी रूम टेम्परेचर डाला है? जी बिल्कुल. अगर मैं नॉर्मल डालती तो ये कूल डाउन चला जाता. मींस ये ठंडा रहता. तो ये दालों के पानी से हमने ये हीट अप किया थर्मल मास्क और आपने पेस्ट लगा के ऊपर कीजिए. ये कैमरा हटा दूं? जी. टूट ना जाए मेरा कैमरा. देखिए आप किस तरह किस डायरेक्शन में ये लगाना है, ये बहुत जरूरी है. आप थोड़ी सी गंदी होगी कमीज पड़ी. वो खैर निशान तो नहीं छोड़ेगा. चिन कम हो जाए बस. अच्छा बताएं हफ्ते में कितनी दफा लगाना है? हफ्ते में 1 से 2 दफा लगाना है. जैसे फॉर इंस्टेंस अगर इनको ले लेते हैं तो ये हफ्ते में 2 दफा लगाएंगी यानी महीने में पूरी 8 दफा. आपको पता है डबल चिन कम होने से आपकी 10 साल उम्र कम लगने लगती है. डबल चिन की वजह से आप वैसे अम्मा जैसे मुझे देख लो. मेरी डबल चिन खत्म हुई है तो मैं यंग लोग कहते पता नहीं. थोड़ा सा गर्म लग रहा है. अब सब अपनी डबल चिन चेक करिए. सारी एक्सपर्ट बिल्कीज से पहले हाथ मारा इधर फिर सलमा देख रही है ये. आपके नहीं, आपका लंबा चेहरा है माशाल्लाह. मैं लगा दूं थोड़ा सा ऊपर लोअर ऑर्बिट लाइन. हमारे तो गोश्त जमा होता है तो मेरे जो बैंक है गोश्त का वो यहाँ है.
यहाँ फौरन गल्लों पे नजर आने लगते हैं। मुझे तो नुकसान है ना, मैं डाइट पे जाती हूँ, सबसे पहले चेहरा ऐसा हिमालया से आई है। ये डाइट बंदा ये प्रॉब्लम है, मेरे है फैमिली में भी और एक दो खवातीन को प्रॉब्लम। फेस इतना छोटा होगा आप लगेंगे तुम भी पतली हैं, जब टेबल के पीछे से खड़ी हो तो आप बैठे हुए। बहुत सारी न्यूज एंकर्स भी ऐसी थी, उनका चेहरा आप देखते पतली दुबली, जब उनको असल में मैंने मेकअप रूम में देखा, क्योंकि वो न्यूज एंकर्स तो बैठी होती है और पीछे सब छुपा हुआ होता है, तो फिर मुझसे कहने लगे था डाइट कैसे करें, मैंने कहा अल्लाह आप तो इतनी पतली लगती थी, तो छुप जाता सब टेबल के पीछे। और ये मास्क तकरीबन 15 टू 20 मिनट्स इसी तरीके से छोड़ना है। अच्छा, और फिर आप इसको, आपने हफ्ते में कितने दिन लगाने का बोला? दो दफ़े जी। और ये कौन सा टाइम आपको लगता है कि सबसे बेस्ट है लगाने के लिए? नहीं आपसे थोड़ी पूछ रही हूँ मैं, आप क्यों बता रही है? नाइट 2 बजे के करीब, 2 बजे दोपहर में जी बिल्कुल। और खाना वाना तो नहीं पका सकती ना फिर ये जाके किचन में, पता चले खाना पूरा हो चुका होगा, गर्दन ऊपर करके पक रहे हैं, वो पूरा टपक रहा होगा फिर। एक्चुअली बच्चे घर में ना हो ना मेरे बेटा बिल्कुल तभी लगाएं। हाँ कितने मिनट लगेगा ये? 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स, यानी 30 से 35 मिनट या 40 मिनट में आप निकाल दीजिए। ठीक है हो गया। और ये आपने ठंडे पानी से आइस वाटर से, आइए मैं आपको वहां तक छोड़ के आ जाऊँ, 30 मिनट तक मैं आपको अपनी कुर्सी नहीं दे सकती। हाँ जी 30, वहाँ जा रही हूँ, यहीं बैठी रहो ना, कोई बात नहीं, वहीं बैठी रहो, वहीं अपनी सीट पर, 30 मिनट बाद धुलवा देंगे हम। अच्छा आपको क्या लगता है, क्या गारंटी है कितने दिनों बाद डबल चिन काम होती हुई एक्चुअली नजर आएगी? साथ डाइट भी करें? हाँ आफ्टर 2 सिटिंग्स, 2 सिटिंग के बाद। वाकई में, क्योंकि ये हमारा हॉट सेलिंग आइटम है और काफी लोगों को फर्क पड़ता है। और कितने कितने हफ्ते में 2 दफा करा सकते हैं, तो फिर अगले हफ्ते भी आप 2 दफा रिपीट कर सकते हैं? बिल्कुल, ये तो टॉपिकल एप्लीकेशन है, बस इसमें सिर्फ ये करना है कि 4 दालों का पानी होना लाजमी है। लेकिन डाइट भी तरह से आती है ना, बिरयानी खा कर आ रहे हैं और कह रही है डबल चिन से निकाल। एक्सरसाइज भी होनी चाहिए, जो चिन की एक्सरसाइज है वो क्या है बताएं जरा। ओके, अगर डबल चिन की अगर आपने एक्सरसाइज करना है तो ये इंटायर जॉ लाइन उसके साथ इंक्लूड होना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप ये है, ये तो आपकी ये बनेगी ना, डबल चिन भी ये गई, जॉ लाइन ऊपर एक्सटेंड करेंगे, पूरी ऊपर की तरफ खींचेंगे। थर्ड एक्सरसाइज हम सब कर रहे हैं, खबरदार हमारा क्लोज बनाए दो किसी का भी। तो ये अगर हम लोग रोजाना तकरीबन 20 टाइम्स करें, यानी 20 रेपिटेशन अर्ली मॉर्निंग, तो बहुत जबरदस्त किस्म का रिजल्ट है इसका। जबरदस्त ये इस करने के साथ साथ एक्सरसाइज भी करेगा, लगा के नहीं कीजिएगा, पता चले लगा के कर रही हूं तो बहुत फर्क पड़ेगा जी।